बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम चाइल्ड एक्सेस जो है वो किस तरीके से देते हैं। आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद यूज़र परमिशन आएगी, ठीक है। यूज़र परमिशन के बाद आपके पास उन पर्सनस के ईमेल्स आएंगे जिनको आप जो चाइल्ड एक्सेस जो है वो उसको अपडेट करना चाहते हैं या ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं। तो इसी तरह जैसे जिस कि आप जिस बंदे को जिसकी ईमेल पे आप यूज़र परमिशन की एक्सेस जो है वो देना चाहते हैं, आप उसके ऊपर ग्लोबल एक्सेस करेंगे, ठीक है। आपके पास इस तरह का पेज आएगा यूज़र परमिशन का, ठीक है। इधर कुछ जो मेन जो हमारी होती है जिनको एक्सेस देना लाजमी होता है, उसमें हम A+ कंटेंट की देते हैं, कंपेन मैनेजर की देते हैं, ठीक है। कूपन्स की हो गई, कूपन्स के बाद इसके अलावा हम अगर बात करते चलें कि इन्वेंटरी हो गई, ठीक है। इन्वेंटरी की भी हम जो है वो देते हैं, अगर एक व्यू आ रहा है, ठीक है, व्यू के बाद व्यू एंड एडिट का ऑप्शन आ रहा है, और सेम लाइक के हम इन्वेंटरी प्लानिंग की भी जो है वो देते हैं एक्सेस अपने चाइल्ड एक्सेस को, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग होगी, प्लानिंग इन्वेंटरी के बाद मैनेज शिपमेंट होगी, मैनेज शिपमेंट के बाद हमारे पास फुलफिलमेंट सेटिंग होगी, ठीक है, और इन्वेंटरी मैनेजमेंट होगी, ऐड अ प्रोडक्ट होगी, ठीक है। इन चीज़ों को हमने लाजमी एक्सेस देनी होती है अगर आपने अपने किसी चाइल्ड एक्सेस को, अगर अपने VA अपना वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो हायर किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह हम मैनेज ऑर्डर की एक्सेस भी देते हैं, और हम ये जो चीज़ें होती हैं हम उन लोगों को देते हैं जो हमारे ट्रस्टवर्दी हों, और हम चाहते हैं कि हमें इन इस ईमेल के अंदर हमें इन इन चीज़ों की हमें परमिशन जो है वो हम उनको देना चाहते हैं। सेम एज़ इट इज़ अगर हम परफॉर्मेंस में आ जाएं, परफॉर्मेंस भी हम अपने लिहाज से चीज़ों को दे सकते हैं। उसके बाद प्राइसिंग आगे, प्राइसिंग में भी ऑटोमेटिक प्राइसिंग होगी, ठीक है, मैनेज आप प्राइसिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आगे आ जाता है रिपोर्ट्स का सेक्शन, रिपोर्ट के सेक्शन में भी आप दे सकते हैं कि ब्रांड जो कैटलॉग मैनेजर है उसकी आप एक्सेस दे सकते हैं, आपका ब्रांड जो है वो आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। बिजनेस रिपोर्ट की आप उसको एक्सेस दे दें, ठीक है। उसके बाद हमारी जो मेन कंसर्न होते हैं फुलफिलमेंट रिपोर्ट्स के बारे में होते हैं, फुलफिलमेंट उसकी भी हम एक्सेस जो होती है वो अपने चाइल्ड एक्सेस को जिनको हमने देनी होती है उसको या तो हम प्रॉपर देते हैं, फुल देते हैं, फुली एडमिन बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात अगर करते जाएं कि हम क्या कहते हैं कि अगर हम बात करते जाएं सेटिंग में, सेटिंग में मोस्ट केसेस में ना जो हम आम अपने वर्चुअल असिस्टेंट को देते हैं वो ये होता है कि हम उन्हें किस लोग की एक्सेस दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैसेजिंग एक्सेस दे देते हैं, मैसेजिंग एक्सेस में वो आ जाता है कि अगर कोई बायर है, बायर आपको कोई मैसेज अगर करना चाहता है तो उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है। इसी तरह स्टोर में आपको सारी एक्सेस देनी पड़ती है अगर आप किसी बायर को या किसी वर्चुअल असिस्टेंट को देना चाहते हैं तो।